कौन है ये? साहब ये बीबी जी की अम्मी है। इसका मतलब है कि मुजरम अंदर ही है। सलाम अलैकुम अम्मा जी। मनाल कहाँ है? हम तो उसकी बहन से मिलने आए अम्मा जी। वो कह रही है कि वो शहर से बाहर है। वो खुद कह रही है? गुड। मैं उसे कह रही थी कि दूसरों को कहने दो, जो बंदा खुद कहता है वो झूठ होता है। अम्मा जी बेहतर यही है कि आप हमें उनसे मिलवा दें, क्योंकि जो हाल उन्होंने अपनी बहन का किया ना, कुछ देर तो मेहमान रहना बनता है। हेलो इरफान, घर पे पुलिस आ गई है। तो क्या ये मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए? क्या इरफान, इरफान बीवी हूं मैं आपकी, आप क्या? हेलो हेलो इरफान, फीरा और इरफान को मारेंगे? नहीं अम्मा जी, उन्हें बिरयानी खिलाएंगे। मुझे बिरयानी नहीं अच्छी लगती, मुझे तो दाल चावल अच्छे लगते हैं, और बिरयानी तो कुलों पे पकाते हैं। लगता है अम्मा जी का दिमाग थोड़ा हिला हुआ है। अम्मा जी हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा है, आप फीरा बीबी से कह लें कि जब वो आएंगी तब हम उनसे मिलेंगे। हालांकि इरफान साहब तो हमें घर से निकालने के लिए फोन भी करवा रहे हैं। तो मुझे मनाल के पास ले जाओ। और उसको तो मार मार के लिटा दिया है फीरा ने। क्या कब्र में लिटा दिया है? कोशिश तो यही थी आपकी बेटी की। आप मनाल के साथ अफीरा की भी कब्र बना दें। कब से जाग रही है, सोई नहीं। और अंदर ले जाओ अम्मा को, और जाके अपनी बीबी से कह दे कि ये मजाक वजाक छोड़ दें। अगर हमने मजाक करना शुरू कर दिया ना तो हंसी नहीं आएगी, हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। जा जनाब, हम तो खुद मुलाजिम हैं। इरफान किसी की मर्जी नहीं चलने देता, आपकी भी नहीं चलने देगा। ओए, अपने साहब का नंबर बता। इसका मतलब है कि पक्का फैसला कर लिया? हाँ यार, क्या ख्याल है? हेलो इरफान साहब, आपके घर के बाहर कितनी देर से बैठे हुए हैं, किसी ने कोई चाय पानी तक नहीं पूछा। कौन बोल रहा? आपका मेहमान बात कर रहा हूँ, ऐसे चुका दे। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये इरफान साहब के मुलजिम अफीरा बीबी जोजा इरफान साहब जिस घर में छुपी बैठी हुई है, उस घर के बाहर हम नफरी समेत खड़े हुए हैं। बेहतर यही है इरफान साहब कि आप उनको हमारे हवाले कर दें, वरना क्या? वरना शिकायत ना करना इरफान साहब, आपके 20 टीवी वाले वाकिफ होंगे, आंछे मेरे भी जानने वाले हैं, हम ही से न्यूज लेके जाते हैं, मसालेदार। तू मुझे धमकी दे रहा है? ना इरफान साहब ना, हम जैसे तो आपकी मदद के लिए होते हैं। आपकी सास साहिबा आई थी, बता गई हैं कि आप अपनी बेगम से जान छुड़वाना चाहते हैं। हम तो आपकी मदद करना चाहते हैं जान छुड़वाने में। तो क्या बकवास है ये? बकवास नहीं है इरफान साहब, अंदर की खबर है। अच्छे तफ्तीशी की दो सनदें मिल चुकी हैं आपके भाई को। वो तुम्हें जो करना करो, पर मेरे घर के बाहर तमाशा लगाने की कोई लोड़ नहीं। मैंने तुम्हें कहा है तुमको जो भी जरूरत है मैं खुद देने आऊंगा थाने में। यही तो मैं भी कह रहा हूँ इरफान साहब, के तमाशा ना ही बने तो अच्छा है। अभी तो मोहल्ले वालों को यही लग रहा है कि साहब की सिक्योरिटी के लिए गाड़ियां खड़ी हुई हैं, लेकिन जैसे ही टू टू करके दो मोबाइलें और आ गई ना तो सबको लग पता जाएगा। तू वहां बाहर रुक, मैं पहुंचता हूं। गुस्सा नहीं इरफान, ठंडे ठंडे, उसके पास सबूत हैं। एक मिनट लगता है स्कैंडल बनने में। FIR किसने कटवाई होगी? जैन ने? जिसने भी कटवाई होगी वो बात की बात है, पहले तो तुम उन्हें जाकर डील करो।
और ये सब कुछ अफीरा की वजह से हो रहा है। और यार उसने तो खुद अपने गले में फंदा डाल लिया है, तुम और कुछ मत सोचो। बस सोचने के लिए तो और भी बथेरी बातें हैं। हाँ तो सोच लेना बाद में, फिलहाल तो घर पहुंचो और जो करना है वो करके फारिग हो जाओ। मेरा मतलब है कि पुलिस को निकालो घर से। क्या जरूरत थी ये कहने की कि मैं कह रही हूं? मैंने तो कहा था। एक, एक सिंपल सी लाइन बोलनी थी आपको, एक एक जुमला, वो भी ना बोला गया आपसे। मुझे मालूम है आपने ये सब जानबूझ के किया है ना? अपनी तो हर चीज का होश होता है आपको। होश होता है तो झूठ बोलते हैं लोग। नहीं नहीं सच बोले, बल्कि बोल तो आए हैं आप सच। जेल भिजवा देगी आप मुझे। तुम्हें फांसी हो जाएगी क्या? हाँ होगी, क्योंकि आपकी जिद्दी अड़ियल अपनी मर्जी करने वाले चुड़ैल को मारा है मैंने। तुम लोग अब तक यहां खड़े हो गए क्यों नहीं? आपसे मिले बगैर कैसे जा सकते हैं इरफान साहब? वो फालतू बातें सुनने का मैं आदी नहीं हूं सचो। ठीक है फिर, मुलजिमा को हमारे हवाले कर दें। और तेरी जुबान तेरी कद से ज्यादा ऊंची हो गई है। क्या करें, कुदरती है, मेरा कोई कसूर नहीं। आखिरी बार कह रहा हूं सचो, यहां से चला जा। यहां तक अफीरा की बात है उसे लेकर मैं खुद थाने पहुंच जाऊंगा। ठीक है, पुलिस वाले कभी किसी पे एतबार करते तो नहीं है, चलो आखिरी बार कर लेते हैं। बैठो, चलो भाई गाड़ी चार्ज करो। अफीरा, अफीरा, अफीरा! इरफान, 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 खुदा के लिए मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। बस कर, बचा ले मुझे, तेरी वजह से घर की दहलीज पर तमाशा बना हुआ है। तमाशा? वो मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। ज्यादा बातें ना कर, चुपचाप तैयार हो जा, चल मेरे साथ। क्या मतलब, कहाँ के लिए तैयार हो जाओ? मेरे पास इन फालतू बातों का वक्त नहीं है, जो कह रहा हूँ वो कर, चल तैयार हो और चल मेरे साथ। इरफान आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? तेरी वजह से पहली बारी मुझे वादा करना पड़ा, और जिंदगी में पहली दफा ये हुआ है कि मेरी घर की दलीस पर पुलिस आई है। वादा किया तो पूरा तो करना पड़ेगा। मैंने जो कुछ भी किया है आपके लिए किया है, आपकी मेरी वजह से किया है। तेरे मुंह के ऊपर बात मेरी कान खोल के सुन, अगर पुलिस के सामने जबान खोली तो मैं तेरे पूरे टब्बर को सड़क पर बिठाकर भीख मंगवाऊंगा, समझ लगी तुझे? नहीं, आप जहां कहेंगे मैं चली जाऊंगी। मैं बस अम्मा और हमजा को ना वो घर छोड़ देते हैं प्लीज। वो सबका सामान पैक कर, अभी कर। आप चाहे जितने भी लोग मेरा आज का शो सुन रहे हैं, लेकिन आज का शो आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि आज का शो सिर्फ एक शख्स के लिए है। वो शख्स जिसकी मोहब्बत को बयान करने के लिए सारे लफ्ज नामुकम्मल हो जाए। इसकी मोहब्बत को रखने के लिए ये दुनिया छोटी पड़ जाए। जी मैं आप लोगों से मुखातिब नहीं हूं, मैं सिर्फ उसी शख्स से बात कर रहा हूं जिसने ना तो मुझे मोहब्बत का मतलब समझाया बल्कि दिखाया भी। उसने अपना सब कुछ मोहब्बत के लिए कुर्बान कर दिया, भूल गई सब कुछ, लेकिन याद रखा तो मोहब्बत को।
उसने इतनी मोहब्बत की कि हर नफरत ने उसके आगे घुटने टेक दिए, नफरत ने उसके आगे खुद जाके हार मानी। शायद पहली बार किसी को हार मान के इतना अच्छा लगा हो। डियर लिसनर्स, आज के शो में कोई गाना नहीं होगा क्योंकि आज का शो बहुत स्पेशल है। इसका टाइटल है एतराफ, और इस एतराफ के साथ मैं उस शख्स से ये कहना चाहता हूं कि अब तो देखने का वक्त है, तो उसने अपनी आंखें बंद क्यों कर रखी है? उसने तो नफरतों को हराया हुआ है, तो एक मामूली से अंधेरे को क्यों नहीं हरा सकती हो? अगर वो शख्स ये सब सुन रहा है तो मैं उसे कहना चाहता हूं कि सारे रंग, खुशबू, ख्वाब, रास्ते, मोहब्बत उसका इंतजार कर रहे हैं, उसे बस दोबारा से इन्हें देखना है। आपसे कल के शो में दोबारा मुलाकात होगी। क्या हुआ, प्रोग्राम खत्म हो गया क्या? आंटी, मुझे ज़ैन को देखना है, आप प्लीज डॉक्टर से कहे मेरी आंखें लाते मुझे। आप प्लीज पूछे डॉक्टर से। तुम्हारी मोहब्बत ने तो वो कर दिया जो हो ही नहीं सकता था। ये तो फिर आंखें, इनमें तो पहले भी मोहब्बत ही की रोशनी थी। तो फिर मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा जब मेरी मोहब्बत मेरे पास है? आंटी प्लीज थोड़ी देर के लिए मेरी आंखें लाते, सिर्फ इतनी देर कि मैं ज़ैन की आंखों में अपने लिए मोहब्बत देख सकूं। प्लीज आंटी, आप डॉक्टर से पूछे फिर वापस ले लीजिएगा प्लीज। मुझे यकीन नहीं था कि आप आएंगे। मैं जो कहता हूं वो करता हूं, चाहे जितना मर्जी नुकसान हो मेरा या किसी और का। हम तो नुकसान बचाने वालों में से हैं साईं, हमें क्या बता रहे हैं? एक बात याद रखना है सचो, मेरे घर आकर तुमने अच्छा नहीं किया, बड़ा महंगा पड़ेगा तुझे। एक मिनट इरफान साहब, मुझे महंगी चीजें खरीदने का बहुत शौक है, आप बेफिक्र हो जाएं, आपकी इज्जत अब हमारी हिफाजत में है। इसका मतलब है कि आपकी डोरियां इरफान साहब हिला रहे हैं, वो जैसे किराए के कातलों को इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं है, मामूली सा घरेलू झगड़ा था, हर घर में होते हैं। हाँ, लेकिन हर घर में कत्ल की कोशिश नहीं होती,
मैं उसका कत्ल क्यों करूंगी, वो मेरी बहन है। बीबी सारी कहानी का पता है हमें कि क्यों उस बेचारी के साथ सब कुछ ये हो रहा है। वो अपनी मर्जी कर रही है, तुम लोगों का कहना नहीं मान रही है ना। और पता भी है आपकी बहन के साथ हुआ क्या? उसकी आंखें चली गई हैं, अंधी हो गई है वो। क्या सर, इनके इस बयान की रोशनी में शौहर से तफ्तीश तो बनती है, वरना जैसी एफआईआर है 6-7 साल तक तो जेल की भाभी बन के रहना पड़ेगा इन्हें। तुझे लेने आया हूं। तुझे पता है तेरे खिलाफ बड़े पक्के सबूत हैं पुलिस वालों के पास। सुबह होने दे, तेरी जमानत करा लूंगा अदालत से। ना फीरा, तूने जुर्म तो किया है ना। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, आपने करवाया है मुझसे। क्या मतलब, क्या बकवास कर रही है तू? आपकी वजह से हुआ है ये सब कुछ, आपकी वजह से। मनाल अंधी हो गई है इरफान, मैंने अपनी बहन की आंखें छीन ली है आपकी वजह से। आपके दिए हुए टुकड़ों के छिन जाने के डर से मैंने किया है ये सब कुछ। और आपने क्या किया, मुसीबत में मुझे अकेला छोड़ दिया। मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया है आपके बारे में। अगर साथ थे तो यहां भी साथ ही रहेंगे, इतनी आसानी से बच के भागने नहीं दूंगी मैं आपको। देखें, जैसे याददाश्त चली जाती है और फिर वापस भी आ जाती है, इसी तरह इनका विजन भी वापस आ जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, विजन गया ही क्यों उसका? देखें, काम तो ये अल्लाह के हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो वजह बनी वो इनके सर के अंदर लगने वाली चोट है। मैं बहरहाल बहुत होपफुल हूं, आप परेशान ना हो। यस, एक्सक्यूज मी डॉक्टर, Zain, can I talk to you for a minute? Ji, excuse me. Sure. Just a minute, please. Afira ko polis ne arrest kar liya. Kya? Ha. Irfan ek bahut ghatiya insaan hai. मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसे दूरी रहिए। मोहतात रहने का मशवरा तो मुझे नहीं, इरफान को दो, क्योंकि मैं तो नतीजों का नहीं सोचती, जबकि उसको अपनी इज्जत बहुत प्यारी। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि आप उसे जरा मोहतात रहिए, और किसी और के लिए नहीं, मनाल के लिए कम अज कम। आपने अपना ना होते हुए भी उसका इतना ख्याल रखा है हमेशा। ऐसा मत कहो ज़ैन, मनाल की मोहब्बत तो लकड़ियों तक को खींच के अपने पास ले आई, हम तो जैसे थे ही लोहे के लोग, उससे तो चिपकना ही था। डोंट वरी, वो एक दिन तुम्हें देखेगी, जरूर देखेगी, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी। और जब तक वो तुम्हें देखेगी तब तक तुम अपना ये एफएम का जाली प्रोग्राम जारी रखो। मैं चलती हूँ। हैरत की बात है, अभी तक अफीरा की जमानत करवाने के लिए कोई भी नहीं आया। मुझे हैरत नहीं हो रही,
इरफान से तो कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। एसएचओ का फोन आया था, बता रहा था कि इरफान उसकी ट्रांसफर करवाने की कोशिश कर रहा है। पाबंदी है, वरना वो तो अब तक ट्रांसफर करवा चुका होता। हमारी मदद कर रहा है इसलिए ना। अब उसने इरफान को भी तो इस केस में शामिल कर लिया है ना, और अफीरा से भी बयान ले लिया कि उसने जो कुछ किया है इरफान के कहने पे किया। क्या सोचा आपने, मनाल को अफीरा के बारे में बताया जाए? नहीं नहीं, फिर वो चल पड़ेगी उसे छुड़वाने के लिए। मैं चाहती हूँ कि कम से कम उन लोगों को अपने किए की सजा तो मिले। कौन? मैं हूँ राबिया, मनाल की दोस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम हमजा हो ना? जी। अच्छा, अस्सलामुअलैकुम जी, आप मनाल की अम्मी है ना? अस्सलामुअलैकुम। आप लोग कुछ लेने आए हैं या रहने आए हैं? हम दोनों तो आपसे बातें करने के लिए आए हैं, आपसे दुआएं लेने के लिए आए हैं, और आपको खैरियत की खबर देने के लिए आए हैं। हार गए हो जो दुआ की जरूरत पड़ गई? जी नहीं, हम जीतना चाहते हैं इसलिए आपकी दुआओं की जरूरत है। वैसे आप बिल्कुल वैसी हैं जैसे मनाल ने बताया था। मनाल को गफीरा ने मार दिया? मनाल ठीक है? जी जी, माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है, बस हॉस्पिटल में 2-4 दिन में घर आ जाएगी। वापस आने वाले ठीक होते हैं क्या? बस आप दुआ करें कि वो मुकम्मल तरह से ठीक हो जाए। पापी के पास ले चलेंगी आप मुझे? हाँ हाँ बिल्कुल ले चलूंगी, बल्कि वो खुद तुम्हें याद कर रही थी। पूछ रही थी तो इतने दिनों से बात क्यों नहीं की उन्होंने? उनकी तबीयत खराब थी ना इसलिए। अफीरा पी ने मारा था ना उन्हें? आप ऐसी बातें मत सोचो बेटा। साथ वाली आंटी कह रही थी मीनाल अपी को मार के अफीरा पी भाग गई। अच्छी बात यह है कि मनाल अपी ठीक हो गई है, अब तुम खुद चल के देख लेना। एक बैग ला दो मुझे। जी। वैसे आपको एक बात बता, आपकी बेटी बहुत प्यारी और बहुत बहादुर है। बहादुर से तो लोग डरते हैं, मनाल से कोई क्यों नहीं डरता? सब डरते हैं उसके मजबूत इरादे से, जो सोचती है घर गुजरती है। मर्जी करने निकली थी घर से, पता नहीं उसकी मर्जी चली या नहीं। चल गए, मर्जी करने वाले हार नहीं मानते, और आपकी बेटी भी जीत गई। अच्छा, शायद इसलिए इरफान ने हमारा खाना बंद कर दिया। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं आप दोनों को मनाल से मिलवाने के लिए हॉस्पिटल लेके चलूंगी। हमें हर एक अपनी मर्जी से ले जाता है और अपनी मर्जी से छोड़ जाता है। अब सबकी मर्जियां खत्म हो गई और आप ये समझे कि आपकी मर्जी शुरू होने वाली है। अपनी मर्जी करने के लिए इनकार करना पड़ता है, और अब आप हर किसी को बेधड़क इनकार करते क्योंकि आपकी बेटी ने अपनी हां ढूंढ ली। अच्छा हमजा, मैं शाम को आऊंगी कुछ चीजें लेकर, ठीक है? अच्छा जी,
मैं अब चलती हूँ, मनाल इंतजार कर रही होगी हमारा। आपसे फोन पे रब्ता रहेगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। मनाल जिंदा है तो उसकी कब्र तो खाली होगी। खफीरा ने कब्र बनाई थी ना उसकी। हाँ भाई, कैसी है तेरी मेहमान? तुम्हें तो भूल ही गए तुम्हारे सरताज। लगता है कि अब उन्हें याद करवाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, ऐसा याद करवाएंगे कि फिर कभी नहीं भूलेंगे। बहन कैसी है मेरी? जिंदा है, बच गई है। सर। सलाम साहब। वस्सलाम। सर मैं इरफान साहब का मुलाजिम हूँ। वो तो पूरी दुनिया को अपना मुलाजिम समझते हैं। सर ये लिफाफा देना था बीबी जी को। क्या है इसमें? सर वो इरफान साहब ने कहा था कि ये लिफाफा सिर्फ बीबी जी के हाथ में देना। वो इधर ला, ये थाना है, तेरे साईं का ड्राइंग रूम नहीं है। सर मेरी बात तो सुने। मुझे पहले ही पता था कि वो तुमसे जान छुड़वाना चाहता है। क्या है ये? तुम्हारा तलाकनामा। जिंदगी में कुछ चीजें आपकी नजरों से बहुत ऊपर होती हैं, इसीलिए हमें दिखाई नहीं देती। जैसे तुम्हारी मोहब्बत मुझे दिखाई नहीं दी। मुझे तो हमेशा खुद में कमी लगी। मुझे लगा जैसे मुझे अपनी मोहब्बत को मुकम्मल करना है, तुम तक पहुंच ही नहीं रही थी। नहीं मना, तुम्हारी मोहब्बत में मुझे कोई शक नहीं रहा। मैं जानती हूँ जैन, तुम तो यकीन हो मेरा, वो यकीन जिसके बाद इंसान आंखें बंद कर लेता है। और देख लो, कुदरत ने मेरा यकीन मुकम्मल कर दिया। मनाल ऐसी बातें मत करो, तुम ठीक हो जाओगी। बस ये अगर मैं ठीक ना हो सकी जैन तो, और अगर कल सूरज ना निकला तो उसी तरह अंधेरा हो जाएगा जैसे इस वक्त मेरी आंखों में है। मनाल एक बात कहूं? हाँ। तुम तो यकीन वाली हो, बस ये यकीन कर लो कि ये सारे नजारे, ये सारे मंजर, ये सब रंग तुम्हारे मुंतजर हैं, तुम्हारे आदि हैं ये। सैन, मुझे कुछ भी नहीं देखना तुम्हारे अलावा। मेरे अलावा ना सही, मेरे साथ ही देख लेना। हेलो। लिफाफा तो एसएचओ साहब ने उसी वक्त पकड़ा दिया था, और जब लिफाफा पकड़ाया तो मैं निकल आया। कोई लिफाफा एसएचओ ने खोला था? जी। और कोई बकवास तो नहीं कर रहा था वो? नहीं सर, मेरे सामने तो कुछ नहीं कहा। चल ठीक है।
आपी? हमजा, आपी आप कैसी हैं? तुम कैसे हो? आपी, आपकी आंखें क्यों बंद हैं? वो डॉक्टर ने मना किया है ना आंखें खोलने से। मनाल, हमजा अकेला नहीं आया? मुझे पता है, अपनी अम्मी की खुशबू आ रही है मुझे। तो अंधी हो गई हो क्या? आंटी आप प्लीज बैठे। बैठे अफीरा को गेल हो गई है, उसको पुलिस पकड़ के ले गई। क्या? नहीं नहीं, वो गई थी थोड़ी देर के लिए जेल अपने शौहर को मिलने के लिए। आंटी अफीरा कहाँ है? आपी जेल में है। नहीं 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 आंटी, मुझे साथ वाली आंटी ने खुद कहा। आंटी प्लीज मुझे बताएं, आप लोग मुझसे झूठ बोल रहे हैं क्या? मनाल तुम स्ट्रेस ना लो प्लीज। कैसे स्ट्रेस ना लो, जैन बहन है वो मेरी। मनाल प्लीज तुम इजी हो जाओ, मैं खुद तुम्हारी अफीरा से बात करवा दूंगी। तुम्हारी खाली कब्र में अफीरा जाएगी। अम्मा खुदा के लिए ऐसी बातें मत करें। और निकाह नामा रजिस्टर करवा लिया तूने? भाई देकर चला गया था, कल मिल जाएगा। और तू अपनी पूरी तैयारी रख और अपने ससुराल जरा चक्कर शक्कर लगाता रह कर, ताकि मोहल्ले वालों को तेरा आना जाना नजर आता रहे। जो हुक्म भाई। हाँ फल शल ले जाया कर वहां, खाली हाथ ना जाया कर। और इन लोगों को खिलाने वाले लोग जरा अच्छे लगते हैं, और वैसे भी इंसान और जानवर की भूख का पता हो तो उसे काबू करना आसान होता है। जी भाई। चल ठीक है जा। हेलो। हेलो इरफान साहब, आपका खादिम मैं सचो कादिर बात कर रहा हूँ। ओए अब क्या काम है तुझे? काम तो अब शुरू हुए हैं आपसे इरफान साहब। आपने अपने साथी से जान तो छुड़वा ली है, लेकिन ओए मेरे घरेलू मामलात में ज़बान ना खोलना तू, वरना वरना वाला काम इरफान पिछले नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तबादलों पर पाबंदी लगी हुई है। बाकी आपको बताना था कि अपनी शरीक हयात को साबका करने से आपके जुर्म साबका नहीं हो सकते। ओए सचो, अपनी औकात पहचान के बात कर। औकात का तो बिल्कुल भी पता नहीं, क्योंकि घड़ी जो खराब है। बाकी आपको बताना था कि आपके भाई को दो बेहतरीन तफ्तीशी की आला सनदें मिल चुकी हैं, इसलिए कच्चा हाथ नहीं डालूंगा। अभी आपके पास टाइम बहुत है, इजी रहो।